आप सबको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दी। और सच में हम धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने रात भर हमें संभाल कर एक नई सुबह को हमारे जीवन में जोड़ा। विश्वास के विश्राम दिन के लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। तो आइए हम मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन से पढ़ें। दूसरा इतिहास 14:11 में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, आशा राजा ने अपने परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी और हे यहोवा, जैसा तू सामर्थियों की सहायता करता है वैसे ही शक्तिहीन की भी सहायता कर। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल न होने पाए। आमेन। तो सच में हमारा परमेश्वर हमारा दृढ़ गढ़ है, वो हर समय हमारी सहायता करने के लिए तैयार खड़ा रहता है। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु इस सुंदर समय के लिए, आज की सुंदर सुबह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सच में परमेश्वर पिता आप सर्वशक्तिमान हैं, महान अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय परमेश्वर हैं प्रभु। आप ही मार्ग सत्य और जीवन है परमेश्वर, इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, हर एक जन के लिए मेरे पिता आपका धन्यवाद करते हैं। उन सबको पिता आपकी उपस्थिति में लेकर आते हैं प्रभु इस सुबह के समय। परमेश्वर हर एक जन को तेरे नाम से आशीषित करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु अपने वचन के अनुसार आप हर एक की सहायता करें परमेश्वर प्रभु। जो शक्तिहीन है परमेश्वर प्रभु, जो निर्बल है परमेश्वर पिता, आप उनकी सहायता और मदद करें आज दिन भर के लिए। पिता आपकी सहायता और मदद को हर एक जन के लिए मांगते हैं परमेश्वर। जो लोग प्रभु अपनी सहायता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, आप उन लोगों की सहायता करें परमेश्वर प्रभु। आज की सुबह में आप हर एक को खतरे मुसीबतों से, हर एक दुर्घटना से, हर एक बीमारी से, हर एक विपत्तियों से, शैतान की युक्तियों से प्रभु आप बचाएं पिता परमेश्वर। प्रभु आज की सुबह में आप हर एक को अपने सुरक्षा दायरे में लेकर आज के दिन भर में आप हर एक के संग में हुए प्रभु और हर एक की सहायता और मदद करें प्रभु। जिस प्रकार आपके वचन में लिखा है कि हमारी सहायता कर क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है प्रभु जी, जो कोई तुझ पर भरोसा करता है प्रभु, जो तुझ पर विश्वास करता है परमेश्वर, आप उनकी सहायता करें परमेश्वर पिता। हर एक विपत्तियों में, हर एक मुसीबतों में, हर एक परेशानियों में परमेश्वर पिता आप परमेश्वर उनकी सहायता करके उन्हें विजयी ठहराएं परमेश्वर, उन्हें विजयी करें परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन आप परमेश्वर पिता हर एक के सहायक बनिए पिता परमेश्वर। इस वचन के अनुसार प्रभु आप किसी को असफल ना होने दें, आप किसी को प्रभु निराश ना होने दें, क्योंकि इस वचन के अनुसार जिसका भरोसा तुझ पर है प्रभु वो कभी भी प्रभु निराश नहीं होगा प्रभु, वरन उसकी वो विजयी होगा प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक को आप प्रभु उनके जीवन में प्रभु विजयी करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।